मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सभी। हुआ क्या कि क्या कहते हैं, रात को थोड़ा लेट सो जाने के बाद मुझे मॉर्निंग में अंजुना बीच देखना था, जो कि मेरे दोस्त साथ ही आए नहीं हैं, क्योंकि अंजुना बीच का मेरे बारे में सुना था कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो मैं अंजुना बीच के लिए सुबह सुबह जल्दी निकल गया था, तो मैं नहाया धोया नहीं, मैंने से मुँह हाथ धोया और निकल गया फटाफट अंजुना बीच के लिए। मुझे यहाँ का सनराइज़ देखना था, पर प्रॉब्लम क्या हुई कि मुझे बताया गया कि वो 5 किलोमीटर के आसपास है, पर वो 10 से 15 किलोमीटर था मेरे होटल से बागा बीच से। अब मैं थोड़ा लेट हो गया तो सनराइज़ देख नहीं पाया। पर सही बताऊँ ना, अंजुना बीच का एक अलग मज़ा है, जहाँ पे जो इन्होंने ये स्टॉल्स वगैरह लगा रखे हैं यहाँ तक आपका पानी आ रहा है, और बहुत ज़्यादा ही अलग है यहाँ पे। और मैं आपको एक बार व्यू देता हूँ, बहुत अच्छा है। ये तो गंदा हो गया सीन। अरे हाय, मट्टी मट्टी कर दे। मैं आपको एक बार डिस्टेंस दिखा देता हूँ। ये है बाउंड्रीज, ये है आपकी रेत, और फिर आपका यहाँ से समुद्र स्टार्ट हो जाता है। और यही चीज़ बागा और कोलंगट में नहीं है, कम से कम आपको 200-300 मीटर अंदर आना होता है, उसके बाद आपको भी समुद्र दिखाई देना शुरू होता है। तो जो कि ये भी बहुत अच्छी बात है, अगर आप यहाँ पे पार्टी वगैरह करते हैं, ये सारे पार्टी क्लब्स वगैरह इन्होंने बना रखे हैं इस जगह पे, तो यहाँ पे आप बैठ के फील ले सकते हो पूरे समुद्र का रात में। अगर इनकेस किसी को अल्कोहल वगैरह कुछ लेना हो तो उसके बाद वहाँ पे ले सकता है। ऐसे ही सामने बहुत सारे बना रखे हैं। जो ये पहाड़ देख रहे हैं आप, इसके जस्ट अपोजिट में ही कोलंगट है, और उसके पास में ही आपका बागा है। तो हाँ, अगर सनसेट वगैरह देखना है तो 5:30 के आसपास आ सकते हैं सनसेट देखने। अब जो ना बीच पे ऐसा कुछ ज़्यादा खास देखने को मिला नहीं। अब क्या है कि अब हम वापस होटल की तरफ जा रहे हैं। हुआ क्या था कि मैं देखना चाहता था कि अंजुना बीच का क्या है, कि लोगों ने कहा था कि बहुत ज़्यादा ही सुंदर है ये, नो डाउट कि बहुत सुंदर है। पर जो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि जो यहाँ की इससे जो समुद्र से जो रेत आती है ना, वो डायरेक्टली आपके पैरों में आती है, तो आपके पैर हमेशा गंदे ही होते रहेंगे। और यहाँ पे मैंने ये एक चीज़ और देखी कि कोई ऐसा कुछ नहीं है कि समुद्र का पानी कहाँ तक जाएगा, जब उसका मन करता हो भाई और उतनी लहर मार देते। जैसे कि मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, अब पता नहीं कब मेरे पैरों में पानी आ जाए। तो ये भी एक देखने लायक बहुत अच्छी चीज़ है। चारों तरफ बार वगैरह हैं, मुझे ऐसा लगता है कि रात में बार वगैरह बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता होगा इन पे, जब लोग बैठ के अपना नाश्ता वगैरह या जो भी उनको अल्कोहल वगैरह लेना है वो लेते होंगे, जो पार्टीज वगैरह करते हैं ऊपर। क्योंकि मेरे ख्याल से रात में क्या होता है कि पानी और ऊपर की तरफ आ जाता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। और ना बीच पे आने का बस मेरे को ये था कि आना है, और बहुत ज़्यादा साफ सफाई है, और उसके बाद क्या खाली पड़ा है पूरा का पूरा। अभी तक 9 बज रहे हैं, और मुझे लग रहा है स्कूटी जहाँ पे पार्क की थी वहाँ पे कोई बंदा खड़ा नहीं था, तो शायद चार्जेस भी फ्री रहे। अब वापस जा रहा हूँ होटल के लिए। अब मैंने जो देखना था वो देख लिया, बिल्कुल खाली बीच पड़ा था, एकदम बढ़िया लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम ही हैं, उसके अलावा और कोई नहीं। कुछ थोड़े बहुत बंदे थे, जो कि बहुत अच्छा लगा उस बीच में को। रात भर पूरे दिन खुला रहता है, कभी भी आप आके अपनी बाहर पार्टी वगैरह भी कर सकते हैं। बताया एक बंदे ने कि जब रात होती है तो जो पानी होता है, जो उनका हाउस बोट होता है, उसके पैरों तक पूरा पानी आने लगता है। तो मतलब रात में और ज़्यादा पानी यहाँ पे अवेलेबल होने जाता होगा, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो होटल की तरफ वापस जा रहे हैं। अब क्या है कि मैं होटल पहुंचने के बाद सीधा पैराडाइज बीच की तरफ जाते हैं, जहाँ पे हमें स्पोर्ट्स करने थे, जो कि स्पोर्ट्स कुआ में आके नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं किया। तो आपको दिखाऊंगा कि स्पोर्ट्स में क्या क्या किया हमने, तो इस वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू देखते रहिए।
और दोस्तों हम इस टाइम पैराडाइज बीच पे हैं जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। हुआ क्या कि हमें ना सुबह सारे स्पोर्ट्स करने थे, तो क्या हुआ कि हमारी मिसकम्युनिकेशन की वजह से हमें ग्रैंड आइलैंड होता है उसका हम ट्रिप नहीं कर पाए, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो हमने ट्रैवलर से बात करी, मैंने कहा तुम हमें अच्छा सा प्लान बता दो, तो उसने बताया कि आप पैराडाइज वाला कर सकते हो, जिसके अंदर क्या है कि आपको काफ़ी सारे स्पोर्ट्स कराएंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। हम दूध सागर का प्लान कर रहे थे, तो दूध सागर में प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने बताया कि आपको सुबह 5:30 उठना है, 6 o'clock आपको गाड़ी पिक करेगी, तो उसके लिए भी हम लेट हो चुके थे। तो फिर हमने प्लान किया कि हम आज स्पोर्ट्स कर लेते हैं और कल मॉर्निंग में हम करेंगे दूध सागर का टूर, जो कि इनको हमें आज ही बताना पड़ेगा, कल सुबह हमारे को गाड़ी लेने आएगी। और ये महाराष्ट्र में है, मतलब गोवा बॉर्डर से क्रॉस करके 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि बहुत अच्छा है पैराडाइज, जहाँ से आपको बिल्कुल समुद्र दिखाई देगा। ये क्या करेगा, हमारे को 15 किलोमीटर पानी के अंदर लेके जाएगा, और फिर वहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो करेंगे। जो जो एक्टिविटीज़ होंगी वो मैं दिखा दूंगा। 2000 रुपये इसने हमें से एक बंदे के लिए, जिसके अंदर इसने ब्रेकफास्ट, लंच और यहाँ के सारे घरे मतलब गाइडेंस वगैरह और पिक एंड ड्रॉप, तो मतलब कि 30-35 किलोमीटर है हमारे होटल से, तो वो भी बहुत अच्छी बात है कि आपको आने जाने की टेंशन नहीं है, सारी राइड वगैरह कराएगा, लंच एंड ब्रेकफास्ट देगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या कराएगा। जो अंडरग्राउंड रेले है जो कि बहुत अच्छा लगता है, और 5 राइड में आपको है कन्फर्म कर दूंगा, डिस्कशन कर दूंगा कि क्या क्या है, कैसे कैसे, और आप उसमें मजे ले सकते हैं। पैराडाइज बीच और ये राज वाटर स्पोर्ट्स वाला है, ये वो बनाना राइड है, जिससे कि क्या होगा, वो बोट वाला आएगा और ये बनाना वो खींचेगा, चारों तरफ घूमेगा और बंदे वहाँ पे गिर जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि मैं इसकी वीडियो बना नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा फ़ोन और जो गिम्बल है वो दोनों साथ में गिर सकते हैं, तो उसकी प्रॉब्लम रहेगी। तो हम इससे बात कर लेंगे भाई से, क्या स्टेटस है क्या नहीं है। अगर वो बंदा जो गाड़ी में बैठा है अगर वो हमारी वीडियो बना देता है तो वेल एंड गुड, ना तो फिर मैं फोन मतलब ये जो दिख रही है एक्टिविटीज़ यही दिखा पाऊंगा आपको, तो वो वाली फीलिंग नहीं आएगी। अगर गोप्रो होता तो उसको हेलमेट वगैरह पे लगा लेते तो वो गीला भी नहीं होता। और एक ये है आपकी जेट्स की, जिससे क्या होगा कि आपको आगे बिठाया जाएगा और वो अंदर गाड़ी चलाएगा, क्योंकि उसके लिए पर्टिकुलर लाइसेंस चाहिए होता आपको चलाने के लिए, अगर आप गिर वगैरह जाते तो आपको प्रॉब्लम आएगी। देखा मैं कहीं करूँ नहीं, summer fine. I saw you right up in the summertime. I tried to make you mine, it wouldn't work, couldn't work. I had to push you first, I lost my mind, went berserk. I feel like Uzi Vert, Vivian Westwood chain hanging right around my neck, Balenciaga kicks 44 when I
बच्चों आगे जाओ, आपके पास लाइव जाओ। एक ही हमारे भाई साहब ग्रुप में लीड रोल करते हुए, इनका वजन और इनका उम्र सबसे ज्यादा है और ये सबसे ज्यादा मजे भी ले रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या था? बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा रहा, मतलब बहुत मजा आ रहा है। मैं थैंक यू बोलूंगा गोविंद जी को, जिनकी वजह से मैं आ पाया। अल्टीमेट पैसा वसूल। आप बताइए एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है राइड को लेके। मेरा 2000 रुपए का पैकेज रहा है, अच्छा रहा है, 5 राइड मिली है, ये काफी अच्छा रहा है। मैं हर गोवा आने वाले टूरिस्ट को ये सजेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पर आए और इन राइड्स का लुत्फ उठाए। इस टूर लेके जाएंगे समुद्र से, ये सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा इसके साथ, जो कि मजा आने वाला है इसके अंदर। हमारे को क्या है कि इस बोट में चढ़ना है, भाई ने बोट चेंज करवा दिया। भाई ने हमारे को दूसरी बोट पे चढ़ा दिया, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रही है और बहुत ही कंफर्टेबल है। बढ़िया लगेगा, क्या कह रहे हो भाई? और भी बढ़िया लगेगा, और बढ़िया लगेगा। और ये बताओ कि कितने ऊंचाई पे जाएगा ये पैराशूट? 50 मीटर ऊपर जाएगा। ओके, इन्होंने बताया था कि डिप के चार्जेस 200 हैं। डिप का मतलब क्या होता है कि आपको उड़ते हुए पैराशूट से आपको समुद्र के बीच में एक बार छोड़ दिया जाएगा, फिर ऊपर निकाला जाएगा। तो हमारी बोट से फर्स्ट पर्सन था जिसने डिप किया, तो मुझे डिप देखने के बाद ऐसा लगा नहीं कि 200 रुपये देना कुछ जायज़ है, कि इसमें कोई फ़ायदा होता नहीं, आपको बस डिप करा के ऊपर ले जाता है। ये 2 से 3 बार प्रोसेस होता है, नॉर्मल टाइम 1 मिनट होता है, और इस डिप इस 200 रुपये एक्स्ट्रा देने के बाद आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट और एक्स्ट्रा ऊपर हवा में रखा जाता, तो उसका मुझे लगा कोई फ़ायदा ऐसा हुआ नहीं। और मैं ऊपर की तरफ इस टाइप, और मैं आपको बताऊँ व्यू देखोगे तो ये चारों तरफ से ऊपर पैराशूट है मेरे पास। हाँ थोड़ा सा डेंजरस है, जो कि अब समुद्र के नीचे हूँ। ओ भाई देखो, ये हमारी बोट है और बड़ा मज़ा आ रहा है, जो कि बहुत डेंजरस है। अभी हम स्कूबा डाइविंग के लिए जा रहे हैं। पानी पिलाओ भाई। क्या लग गया? डायरेक्ट इधर से इधर आ रहे। ऐसे वाला पैर भी तो बड़े चाहिए उसके लिए, 6 फीट राइट तो नहीं चाहिए। अब जो ये भाई देख रहे हो, ये हमारे को पूरा स्कूबा डाइविंग की गाइडेंस दे रहा है। इसने बताया कि आपको कैसे पानी में जाना है, कैसे नहीं जाना है। इसने सबसे ज़्यादा ये बताया कि आपको घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा खतरा लेने वाली बात नहीं है, बट फिर भी खतरा हो सकता है तो आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कान में पानी भर जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं है। और हाँ, बस अब मिलता हूँ आपको स्कूबा डाइविंग के अंदर, तो अब वीडियो को आप तक पूरा देखिए। और अब हम स्कूबा डाइविंग करने वाले हैं, जिसमें क्या है कि आपको पानी के अंदर लेके जाएगा बंदा, अकॉर्डिंग वगैरह सब करेगा, आपको गाइडेंस वगैरह सब दे दिया। उसके बाद मतलब देखने वाली चीज़ है कि पानी के अंदर कैसा रहता है हिसाब से। आप तो थोड़ा डेंजरस भी मना कर रहे हैं, पर हमें तो डेंजर लगेगा ही ना, तो सांस वांस की दिक्कत तो देख लेना अपने आप में। Thank you.
अपने डे थ्री लगभग ख़त्म हो चुका है, अभी शाम के 7 बज रहे हैं और हम इस टाइम बागा बीच की नाइट दोबारा देखने जाएंगे। बट आज डे थ्री का जो एक्सपीरियंस था मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या कि हमने स्पोर्ट्स करने की तैयारी की थी जो कि हमें मॉर्निंग में 8:30 के आसपास करनी थी, तो हुआ क्या हम थोड़ा लेट हो गए थे इसलिए हमने वो स्किप करके एक दूसरा पैकेज लिया जो कि हमें एक सस्ता भी पड़ा और उसमें हमें मज़े भी पूरे हैं। तो उसमें जो राइड्स वगैरह कराते हैं वो पैराडाइज बीच जाके कराते हैं जो कि महाराष्ट्र बॉर्डर पे पड़ती है, जो कि एक बहुत अच्छी हमारा एक्सपीरियंस रहा उसके साथ। जो आपको पैरासेलिंग कराई जाती है उसमें क्या होता है कि आपको एक पैराशूट में बांध दिया जाएगा और उसको हवा में लेके जाया जाता है बोट के द्वारा, जो कि बहुत स्पीड से चलता है, जो कि बहुत अच्छा बहुत डेंजरस भी होता है। डेंजरस इसलिए होता है कि इन केस आप ऊपर से गिर जाओ या कुछ भी हो सकता है, दुर्घटना तो कभी भी हो सकती है। तो जितना ज़्यादा एडवेंचर उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है इन राइड्स के अंदर। और आपको स्कूबा डाइविंग कराई जाती है, स्कूबा डाइविंग में क्या होता है कि आपको पानी के अंदर लेके जाया जाता है, वहाँ पे मछलियाँ दिखाई जाती हैं और जो भी अंदर का नेचर होता है वो भी दिखाया जाता है। बाकायदा उसकी आपको वीडियो मिलती है जो कि आपको पहुँचते ही बीच पे मिल जाती है और आपको फिर बनाना राइड्स है, फिर आपका जेट स्की है, फिर मोटर स्पीड है, ये आपको और कराई जाती हैं, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप आते हैं तो मेरा मानना है कि आप मॉर्निंग वाली में जाएं तो आपको 2-3 ऑप्शन मिलते हैं उसके अंदर। जो साइट सीन वगैरह है वो आपको 30 किलोमीटर के अंदर होता है जो कि बहुत अच्छा होता है। उससे क्या करते हैं फिर आपको ग्रैंड आइलैंड लेके जाया जाता है, उसी के बीच में आपको डॉल्फिन राइड्स भी दिखाई जाती हैं। वो आपकी किस्मत होती है कि डॉल्फिन आएगी या नहीं आएगी, पर लोग कहते हैं, कुछ लोगों से पूछा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आएंगे और कुछ लोग कहते हैं कि लेके ही इसलिए जाता है कि आपको डॉल्फिन दिखाई जाए। उसके बाद क्या होगा कि आपको आइलैंड पर लेके जाया जाएगा जो कि 30 किलोमीटर की राइड होगी जो कि बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर जो यहाँ का सबसे बड़ा आदमी है, जो सबसे बड़ा आदमी है उसका विला दिखाया जाता है जो कि इस एरिए के सबसे ऊंची हिल पे बना हुआ है, जो कि बहुत अच्छी लगती है। साइट सीन वगैरह देखते हुए आप जाओगे तो वे भी एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो डे थ्री के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उसने खाना वाना दिया जो कि बहुत ही लाइट वेट था, जिसमें कि हमने खाया पिया और मज़े लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप ये राइड वगैरह करते तो आपको एक दिन पहले ही बताना पड़ेगा, जिस भी आप बंदे से बात करें तो 2500 मान के चलो कि आपको कम से कम लगेंगे इतने। और अगर आपको दूध सागर जाना है तो आप मेरी कल की वीडियो देखना जो मैं डे 4 पर शूट करूँगा, जो को आपको अगले हफ्ते तक मिल जाएगी।